सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। संस्कृति जिन संबंधों को हम आज भी याद रखते हैं। जड़ भरत की गाथा हमें यही सब कुछ तो समझा रही है। जड़ भरत जी माँ के द्वारा रक्षित हुए और माँ के भजन सुमिरन में फिर से लीन हो गए। भरत जी के ऊपर संकटों की कोई कमी नहीं थी। भरत जी ने तब तक प्रतिकार नहीं किया अपने ऊपर हुए कष्टों का जब तक प्रभु की ओर से प्रेरणा नहीं मिली। प्रभु का संकेत मिलते ही उन्होंने अपना अनमोल ज्ञान जो जन्मों जन्मों से उनके अंतस्थल पर था उस पर से आवरण हटे और उन्होंने दुनिया में बांटना शुरू कर दिया। आपको लेकर चलते हैं हम षष्ठम स्कंद के अंतर्गत। षष्ठम स्कंद भक्त अजामिल की गाथा का व्याख्यान करता है। कहानियों के भीतर जो सार छिपा है हम उसे कैसे अपनाएं, अपने जीवन में उन सारों को कैसे अपनाएं, समय समय पर इन कहानियों को दोहराया जाता है। अपने जीवन में इन सद्गुणों को धारण करना है तो शिक्षाओं को कभी मत भूलो। एक बार शिवा ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा, माँ मैं कुछ बनना चाहता हूँ। माँ कहती, किसने रोका, बनो। कहते, माँ महाराज किसे कहते हैं? कहते, जो राजाओं का राजा हो, जो सबसे बड़ा हो, उसे महाराज कहते हैं। कहते, माँ मैं भी बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जो व्यक्ति जो कुछ बनना चाहता है वो बन सकता है, लेकिन अगर इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हो, सोचा है कि मैं बनूंगा, तो मेरी तीन बातें याद रखना। पहला, जो बनना है उससे ऊपर की सोचना, उससे नीचे की मत सोचना, ऊपर की सोचना। दूसरा, अपने आचरण को सशक्त रखना। और तीसरा, अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया की सारी नारियों में या माँ देखना या बहन देखना। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आचरण को नहीं गढ़ सकता वो कभी भी किसी अच्छे राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज निसंदेह हमारी थालियां, हमारी प्लेट्स, हमारे बाउल्स, गिलास, चम्मच सब चौके से ऊपर उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, लेकिन हमारा आचरण कहीं पहले से ज्यादा नीचे गिरा है। इस बात को मानना पड़ेगा। हम जितना आधुनिक होते जा रहे हैं उतना चारित्रिक स्तर से गिरते चले जा रहे हैं। हमारे जीवन के सद्गुण हम अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। हम चाहें तो वापिस अपनी संस्कृति को ला सकते हैं। माताएं चाहें तो फिर से मदालसा बन सकती हैं। पुत्रों को लोरी देते हुए आप अच्छे संस्कार भर सकती हैं। तभी मैं कहती हूँ, पाकर दिव्य रूप तुमको नारी बन दिखाना है, शुष्क हुई इस धारा में अब तो भक्ति जान पिलाना है। कोई मदालसा आ जाए पूरा संस्कृति में छा कर फिर से वैदिक नब में छा जाए, ये हम चाहते हैं, अपनी माताओं से अपेक्षा करते हैं। आज देश को अगर सच्चा कर्णधार चाहिए तो सच्चे सहयोगी भी तो चाहिए। आज एक अच्छी सरकार में अगर एक व्यक्ति अच्छा बनकर सामने आता है और उसके साथ अगर बाकी चारित्रिक स्तर से गिरे लोग होंगे तो वो एक अकेला क्या करेगा, सबका सहयोग चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने साथ रहने वालों को, मैं कहती, जब भी हम प्रार्थना करते हैं गणपति जी महाराज से सद्बुद्धि की मांग करते हैं तो कभी अपने लिए मत मांगना, अपने साथ साथ सभी के लिए मांगना। उन्होंने कहा, क्यों दीदी? मैंने कहा, अगर गणपति भगवान प्रसन्न हो गए, आपको बुद्धिमान बना दिया, सारी आपको बुद्धि भरी शक्तियां दे दी और आप समझवान सूझवान बन गए,
तो फिर इतने मूर्खों के बीच में सिर्फ आप ही मूर्ख कहलाएंगे, क्योंकि एक बुद्धिमान अनेकों मूर्खों के बीच में रहेगा तो परेशान ही हो जाएगा। सबके लिए बुद्धि की कामना करना, बुद्धिमानों के बीच में बुद्धिमान सुख शांति से रहता है। कि आज के समाज से हम सभी अपेक्षा रखते हैं हम अपनी संस्कृति की ओर लौटे, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति इतनी प्रबल हो गई है कि हमारे देश में तरह तरह के फैशन शो, तरह तरह की यहाँ पर मॉडलिंग शो चल रहे हैं और ऐसी ऐसी एग्जीबिशंस लगते हैं जिसको देखकर सिर शर्म से झुक जाता है। अब बाह्य सौंदर्य की ओर ध्यान बढ़ गया, आत्मा का सौंदर्य कहीं खो गया है। हमें उसे पाना है, हरि के भजन में गोता लगाना है, उन संस्कारों में रहते रहते हमें अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और इससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम दूं, हम चाहते हैं प्रभु का भजन करते 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 हम अपनी कथा प्रसंग को विराम दें और संगीत मंडली से आग्रह है एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें ताकि कथा विराम की ओर बढ़े और प्रभु का भजन करते करते ही हम यहाँ से जुड़ें। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली है, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से श्वास में तेरा है, श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। के बाहर आया सुन
द्वार आजा सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आया सुन ले पुकार का नाम बस एक बार आजा बेचैन मन के तुम ही बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले मुझे चैनों पे लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों पे लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तुम हो दया के सागर जन्मों की मेरी प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की प्यासी मुझको भी दो चरणों में बस जगह जरा सी मुझको भी दो चरणों में बस जगह जरा बिगड़े बनाए तुमने बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा है सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तंपुन जासु वचन रवि कर निकल बोलिए प्रभु सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय
श्री कृष्ण बलदेव की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय। आज श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की ये चतुर्थ अस्थाई का है। गत 3 दिनों में आपने ज्ञान की गंगा में बहुत गोते लगाए हैं। आपका इस प्रकार नित्य प्रति यहाँ आना आपकी ज्ञान की प्यास को उजागर कर रहा है, और ये ज्ञान का रस आपको इसलिए खींच रहा है क्योंकि ये भागवत महापुराण की जो कहानी है वो मात्र भगवान की कहानी नहीं, भगवान के भक्तों का अर्थात आपका इतिहास भी है। एक इंसान की जो जिंदगी है बहुत उतार चढ़ाव से गुजरती है। कहीं तो बैंड बाजे बजाते हुए हमें बराते निकलती दिखाई देती हैं, और कहीं मरण के मातमी जुलूस। कई बार एक छोटा सा कांटा व्यक्ति की मृत्यु का हेतु बन जाता है, और कई बार दनदनाती गोलियों के बीच में से भी इंसान बच जाता है। ये सब क्या है? जिंदगी के विविध रंग हैं, इसलिए भक्तों ने कहा क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए, जब से हम अपनी नगरी से तेरे नगर में आए हैं, क्या क्या रंग दिखाए तूने, क्या क्या रंग दिखाए। भक्त का जीवन भी अनेकों परिस्थितियों से होकर गुजरता है, और वो अनेकों संघर्षों भरे जीवन में से भी अपने प्रभु का प्रिय कैसे बन पाता है, हमें इन घटनाओं से ये सीखना है। आपको गाथा सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध के अंतर्गत की। उस समय छठा मन्वंतर चल रहा था। आप कहेंगे मन्वंतर क्या है? 4 युग व्यतीत होने के पश्चात फिर से एक चतुर्युगीन आरंभ होता है, और हर युग का एक मनु होता है, और यह छठे मन्वंतर की घटना है। उस समय सनकादि ऋषियों के श्राप के वशीभूत जय और विजय ये 2 द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में धरती पर पैदा हुए। प्रभु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया, लेकिन हिरण्यकशिपु अभी भी अपने मद में चूर अपनी साम्राज्य लिप्सा को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा थी कि उस हरि ने मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया है, जब तक मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। आज उसने दैत्य और दानवों की सभा बुलाई और उन्हें कहा कि ये हरि पहले तो अपने स्वभाव से निष्पक्ष था, लेकिन अब अपने स्वभाव से च्युत हो चुका है। उसकी देव भी संतानें हैं और असुर भी उसकी संतानें हैं, फिर वो सदैव देवताओं का साथ क्यों देता है, अब वो पक्षपाती है। इसलिए जब तक उस विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का हम बदला नहीं लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे, और विष्णु को कमजोर करने का एक ही साधन है। जो लोग पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तीर्थों पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उन सभी की यज्ञ मंदिर की पूजा सामग्री सबको ध्वस्त कर दो। कहीं भी मंदिरों में घंटियों का स्वर सुनाई ना दे, कहीं भी यज्ञ में मंत्रों की ध्वनियों का उच्चारण ना हो, सुनाई दे तो इस समय मात्र करुण क्रंदन सुनाई देना चाहिए। उसके आदेश पर दानवों ने चारों ओर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, और सारे राज्य में ये घोषणा करवाई गई जो श्री हरि की भक्ति करता पकड़ा गया उसे एक ही दंड मिलेगा, उसे मृत्यु दंड कहते हैं। अब हिरण्यकशिपु इस घोषणा को करवाकर बड़ा प्रसन्न था। आज अपनी पत्नी कयाधु से अपने मन की बात व्यक्त करता कहता है,
कि हरि से अपने भाई की मृत्यु का बदला तो लेना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे सशक्त होना होगा और इसके लिए मुझे तपस्या हेतु जाना होगा। इधर हिरण्यकश्यपु जैसे तप के लिए निकले, देवराज इंद्र को अवसर मिल गया। देवराज इंद्र ने इधर हिरण्यकश्यपु की राजधानी पर आक्रमण कर आतंक मचा दिया और उसकी पत्नी तक का अपहरण करके ले जाने की तैयारी करने लगा। और इधर हिरण्यकश्यपु घोर तप में डूबा हुआ है। उसके तप का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा कि अगल बगल के लोग भी चलने लगे और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकर कहा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रंते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो ब्रियता निप्सितो वरा। हे कश्यप नंदन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, उठो वर मांगो। और हिरण्यकश्यपु ने नेत्र खोलते हुए क्या वर मांगा? अमरता का वर मांग लिया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अमरता का वर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका मरण भी निश्चित है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो ठीक है ब्रह्मदेव, मैं दूसरा वर मांग लेता हूँ। और दूसरा वर कैसा मांगा? यदि दासस्य भीमतां वरानमेव वरदोत्तमा भूतेभ्यस्तु अदृष्टश्चैव मृत्यु न भूमव प्रभु न अंतर्बहिदिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगार्पै व्यसुभिर्वा समुद्भिर्वा सुरासुर मोहरगैः अप्रतिदन्दतां युद्धे एकपत्यं च दहिनां सर्वेषां लोकपालनां महिमानं यथात्मनः तपोयोग प्रभावानां यन्न ऋष्यसि कलि च। हे ब्रह्मदेव, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दो कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना पृथ्वी पर मरूं ना आकाश पे मरूं, ना किसी देव से मरूं ना दानव से, ना पशु से, ना मानव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। ऐसा ही वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी तथास्तु कहने के लिए विवश है और उन्होंने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु अत्यंत मद में आ गया और अपनी राजधानी को आकर उसने पुनः बसाया और उसने सारे राज्य में एक घोषणा करवा दी कि आज के बाद सारे जगत का भगवान मैं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा वरदान प्राप्त किया है कि मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकते। मैं विधाता सारी सृष्टि का सबको ये दिखला दूंगा, हिरण्यकश्यपु में असुरराज अब अपना परचम लहरा दूंगा। ना होगा अब इस धरती पर योग वैराग्य जब कभी, नष्ट करूंगा सब ऋषियों का अद्भुत फैला यश अभी। ना सुन पाएगा कोई वेद पुराणों की वाणी, चहु और अब गूंजेगी असुर राज की अमर कहानी। हरि भक्ति करने वालों को मौत की नींद सुला दूंगा, हिरण्यकश्यपु में असुर राज अब अपना परचम फैला दूंगा, हिरण्यकश्यपु में असुर राज अब अपना परचम फैला दूंगा। आज ऐसी घोषणा हुई। और उधर जब देवराज इंद्र कयाधु को लेकर जा रहे थे तो देवर्षि नारद जी ने कयाधु का देवराज इंद्र से रक्षण किया और तब तक के लिए कयाधु देवर्षि नारद जी के आश्रम में रही और वहीं पर उसके गर्भ में बल रहे बालक ने देवर्षि नारद जी से ज्ञान संस्कार प्राप्त किए थे। पति के लौटते ही देवर्षि नारद जी के आश्रम से कयाधु भी वापिस लौट आई और प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ राजधानी में निवास करने लगी। सारी राजधानी में नित्य प्रति एक ही घोषणा होती थी, कोई हरि की भक्ति नहीं करेगा। और इधर हिरण्यकश्यपु के घर निश्चित समय पर एक नन्ही सी संतान ने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद से तात्पर्य प्रकृष्ट आह्लादो यस्य, जिसका आनंद सर्वोपरि हो, जो सबको प्रमुख रूप से आह्लादित करे, वो हुआ प्रहलाद। और प्रहलाद जब जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यपु प्रसन्न है, क्योंकि ये उसकी पहली संतान नहीं है, इससे पहले भी उसके तीन पुत्र हो चुके हैं, लेकिन चतुर्थ संतान इतनी अलौकिक लग रही थी कि उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं था। अब प्रहलाद धीरे धीरे बड़े होने लगे, सुधी संभालने लगे और जब उठना बैठना सीखा तो नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठ जाते और हरि का चिंतन करते। और कभी प्रहलाद की ऐसी स्थिति हो जाती
के झूम झूम कर अपने नारायण को याद करते, नारायण की सुधि में खो देते अपने आप को, कोई होश नहीं रहती, पैर थिरकने लगते और नेत्र मूंदों से मानो नारायण का कीर्तन करते करते कहीं खो जाते। लेकिन कयाधु बड़े चिंतित हो गए। कयाधु, उसने कहा, बेटा तुम नहीं जानते, तुम्हारे पिता ने नारायण हरि की भक्ति पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और अगर उन्होंने तुम्हारे मुख से ये कीर्तन सुन लिया वो तो तुम्हें मार देंगे और वो कठोर बहुत है। प्रहलाद ने कहा, मैं क्या करूं माँ, मेरी आत्मा नारायण का नाम लेती है, मेरे शरीर में व्याप्त रक्त की एक एक बूंद नारायण का कीर्तन करती है, मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। माँ ने कहा, एक योजना है, तुम अंदर से नारायण को याद कर लिया करो, बाहर से हिरण्यकश्यपु अपने पिता को भगवान कह लिया करो। प्रहलाद ने कहा, माँ तुमसे ऐसी शिक्षा की अपेक्षा नहीं थी, जो व्यक्ति अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ और हो दुनिया क्या कहेगी, ढोंगी पाखंडी, क्या मैं ऐसा आचरण रखूं, क्या मैं वंचक व्यवहार दिखाऊं, क्या मैं पापी आचरण रखूं माँ। जिस प्रकार पानी में डूबा हुआ कलश बाहर और भीतर पानी से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जो हरि की भक्ति में डूबा होता है वो बाहर और भीतर नारायण का ही नाम लेता है, किसी और का नाम नहीं लेता। मैं हरि का भक्त हूँ माँ, हरि नाम ही मेरी पूंजी है, जिस आनंद को तरस रही उस आनंद की पूंजी है। तू ही कहते ही बल सारा किसकी शक्ति से आया है, किसकी शक्ति से मैंने हरि भक्ति धन को पाया है, किसकी शक्ति से माँ बोलता सारा ये जमाना है, किसकी शक्ति से माँ पैदा होता अन्न का दाना है। क्या पिता में है शक्ति एक पत्ता भी उपजाने की, क्या पिता में है वो शक्ति संसार को अन्न खिलाने की, वो हरि ही है जो शैतानों को भी खाने को देता है, वो हरि ही है जिसका हर पल प्रहलाद नाम ये लेता है। तुम लाख कहो माता, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, बाहर हो या भीतर नाता हरि नाम से जोड़ूंगा, बाहर हो या भीतर नाता हरि नाम से जोड़ूंगा, ये नारायण मुझसे अलग नहीं है, नारायण ही सब कुछ है, नारायण ही सब कुछ है। ऐसा कहकर झूमते झूमते वो क्या गाने लगा, श्रवण करते भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, ओ भज मन